किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डाल, भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनके उनको पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़प रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं, उसे पैसे की जरूरत है। और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों में हो रहा है, हाईवे पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए। और ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इसको हमें ध्यान से, होशियारी से और समझदारी से निपटना। स्टेट की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। नुकसान देश को होने जा रहा है। माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है, माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनके उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़प रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है। और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है, क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने देखिए, जब माँ अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है, कि माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। और फिर दूसरा कारण होता है, बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं, इनको हमें पूरा समर्थन करना है। और सिर्फ सरकार को नहीं, मैं आपको रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों में हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए। और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है, हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए,
आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और इनको एकदम आप पैसा दीजिए और फिर देखिए जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। तो ये मेरा मेन शुरुआत का मैसेज था। आप सवाल पूछिए। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश से दो चीजें मैं कहना चाहता हूँ और थोड़ा मैं शायद अंग्रेजी में भी बोल दूं, कुछ जो मेरे साउथ के जो मित्र हैं उनको भी थोड़ा वो भी इसको प्रयोग कर सके। रणदीप, इट्स ओके, शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? एब्सोल्युटली सर, फॉर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ इंडिया देयर वाज अ डिमांड सर। सो इंडिया इज इन अ क्राइसिस एंड everybody is in a crisis. Small businesses are in a crisis. They are future employment. Farmers are in a crisis. Laborers are in crisis. And our people, it is heartbreaking to see our people, millions of our people, walking on the highways with no food, no water. I don't want to make a political statement, but I have a serious reservation about the nature of the package that the government has given. And I would like the government to reconsider. It is good that they have taken this step. It's not a bad step. But the most important thing right now is that we put money directly into the hands of our poor people. When a child has an accident or gets hurt, the mother or the father do not give him a bank loan. They do not give him credit. A mother is ready to give whatever food she has to her son or her daughter. And that is the spirit that the government of India should employ. The government of India should not worry about what the foreigners are going to say, what the agencies are going to say. The government of India should have faith in our small and medium businesses, should have faith in our people, in our farmers, faith in the people who are walking on the streets, and immediately give them money in their pocket without a single thought. And there is a reason for this, because if we do not support our small businesses now, if we do not support our farmers now, if we do not support our migrants now, our economy will not start. And if our economy does not start, the question of ratings does not arise. So I would like to ask the government, and with all respect, I would like to ask the Prime Minister to think about putting money directly into the bank accounts of our people. In the Congress party, we had an idea called Nyay. Do Nyay temporarily. Don't do it permanently, do it temporarily, but please start putting money into the small businesses, into the farmers, into the migrants' bank accounts. Because if we do not, we will have a catastrophic result. What is going to come if we do not do that is going to be much worse than what we have seen. It is going to overshadow the disease of COVID. So that is my main message. I'd like to say two other things. One, there have been numerous tragedies. There have been tragedies where people have died. And I would like to offer my condolences to all those people, those families who have lost loved ones. And finally, one point about the lockdown. The lockdown is not a simple thing. When we open the lockdown, we will have to open the lockdown and we will have to make a transition. It is very important that we open the lockdown intelligently and carefully without sacrificing the vulnerable people. We cannot sacrifice our old people. We cannot sacrifice our people who have diabetes, heart disease, hypertension, kidney disease. We have to protect them. And it is the primary duty for everybody to do that.
हिंदी में भी ये आखिरी बात बोल देता हूं, जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, लॉकडाउन को समझदारी और होशियारी से हमें लिफ्ट करना है, ध्यान से लिफ्ट करना है। ये एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसको हमें ध्यान से, होशियारी से और समझदारी से लिफ्ट करना है। और सबसे जरूरी बात, जो हमारे वनरेबल लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो लंग डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, उनकी रक्षा हमें कर कर ये लॉकडाउन हटाना है। तो ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, अब आप कोई भी सवाल पूछे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर श्री केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी है आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ही हैज आल्सो जॉइंड यू, वी वेलकम हिम आल्सो टू दिस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस। May I, sir, begin with the... I thought you were saying KC Venugopal is going to ask me a question. Of course, I'm sure he has plenty of questions that he asks all of us, sir. You Uttar Pradesh se APP Ganga se Anubhav Shukla ji, kya aap apna sawal poochenge? Aap apne aap ko unmute kariye aur sawal poochiye, Anubhav ji. अनुभव जी को हम ढूंढ रहे हैं। राहुल जी सबसे पहले तो नमस्कार। एक सेकंड अनुभव जी, कैन यू फाइंड। राहुल जी आवाज जा रही है मेरी आप तक? गुलाबी रंग का पर्दा है इनके पीछे, हमें चेहरा नहीं दिख रहा है, रेड पर्दा है, गुलाबी पर्दा। हाँ, गुलाबी पर्दा है और क्रीम कलर का शर्ट पहना है इन्होंने। हाँ मिल गए। हाँ थैंक यू। राहुल जी नमस्कार सबसे पहले तो, कैसे हैं आप? ठीक है। जो बात आपने कही, सबसे पहले सवाल वही है कि जिस तरीके से जब अर्थव्यवस्था गोता लगाने लगी तब केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, तीन फेजेस में ये पैकेज जो है वो दिए भी जा चुके हैं, लेकिन तमाम सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है कि अगर ये लोन देने की बजाय जो पिछला लोन था उसको माफ करते तो ये शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि लोन दे रहे इंडस्ट्री चलेगी, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कहाँ करेंगे। एक सबसे बड़ी वजह वो है और आपने वो बात कही भी। दूसरा, क्या आपको लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होता कि 20 लाख करोड़ को राज्यों को दे देते और वो अपनी सुविधा के अनुसार से जिसको जितनी जरूरत होती उतना पैसा वो देते खुद? देखिए, आपने जो डिमांड की बात बोली वो बिल्कुल सही बात है। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम है ये अजीब सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पे प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में डिमांड का प्रॉब्लम होता है या सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बंद पड़े हैं। तो इसमें आपको सरकार को दोनों डिमांड और सप्लाई को एक साथ स्टार्ट करना है। इस पैकेज में कर्ज की बात की है, मगर इस कर्ज से जो आपने बात बोली, डिमांड शुरू नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में बोला कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, और उसमें एक डिमांड फायर करने का एक सेक्शन डालना चाहिए, उसमें न्याय जैसी योजना हो, आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए, मगर डिमांड को स्टार्ट करने के लिए, डिमांड को फायर करने के लिए उसमें पैसा देने की जरूरत है। और अगर हमने पैसा नहीं दिया और डिमांड नहीं चालू हुआ तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान देश को होने जा रहा है। मैंने कहा कि कोरोना से ज्यादा नुकसान जो आर्थिक नुकसान होगा वो होगा। नहीं, राज्यों को अगर पैसा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं देखिए, नहीं डिलीवरी आप कैसे भी करिए, पैसा जनता के जेब में आना चाहिए, क्योंकि जब जनता के जेब में जाएगा तो ही डिमांड क्रिएट होगा। वो मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है कैसे पहुंचाना है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर वो नेशनल गवर्नमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मेरा कहना है कि बहुत जरूरी है
कि गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाए। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैं सब दोस्तों को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक राउंड में कृपया एक सवाल पूछें, दूसरे राउंड में हम कोशिश करेंगे। अब मैं सीधा देश के दूसरे कोने में केरल जाता हूँ और एशिया नेट से प्रशांत जी इज हियर फ्रॉम एशिया नेट। प्रशांत जी, विल यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? प्रशांत जी फ्रॉम एशिया नेट इन केरला, कैन यू जस्ट या ओके या कैन यू सी मी मिस्टर गांधी? We can. No. He also has a big voice. Thank you for this interaction. Shanti, yes, I see you. How are you? Yeah. Fine. Actually, the package announced by the center that is mainly loan based, and they are saying that this is to increase the infrastructure in a long term basis. Also, they are coming up with structural reforms. So, do you think that these measures will help, because immediate cash transfer is what you ask, but do you think long-term measures like infrastructure development is also needed? As I am from Kerala, though Mr. Randeep Surjewala said that only one question can be asked, now, can I also know about your opinion about the Kerala model of tackling this coronavirus, especially the situation in Wayanad, because your party is also at loggerhead with the government there. As I am a member of Parliament from Kerala, I will answer your Kerala question as a special request. First point, the most important thing right now, as I stated, is to fire demand, to start the demand and the supply. And for that, we need to give money directly to people. Absolutely, infrastructure is key. Absolutely, we have to think about these things, but right now the priority is putting money directly into the hands of the people. It's like when you want to start an engine, you have to put fuel into the carburetor. If you do not put fuel into the carburetor, you turn the key, nothing will happen. My worry is that when the engine starts, there will be no fuel in the carburetor, it will not start. Then we will have a very serious problem. Going to your Kerala question, look, Kerala has a history of success in healthcare and education. And this is something that has been going on for many years. It is there. It has been the case during UDF and during LDF. And I think it is credit to the people of Kerala that they put an effort and value these fundamental things. So I would call this success against coronavirus a success of every single person in Kerala. And I think it is a tremendous, tremendous success of all Keralites, and it is an example for others. Thank you, sir. Thank you, Prashant ji. May I now go to the another side of the country, to Gujarat? Ronak Patel ji is here from ABP Asmita. Hi, Rahul. थोड़ा रौनक पटेल जी, थोड़ा background आपका कैसा है? मेरा yellow है. Yellow है. Ronak ji has interviewed, he is right next to Vesha on the screen. Rahul ji mila aapko? Nahi, Ronak Patel. He is on screen number 2. Yeah, mil gaye. Yeah. राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही है, दुखद घटनाएं हो रही है, खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, उनके साथ दुर्घटना भी होती है, ऐसे दृश्य भी आते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं. आप क्या मानते हैं इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उससे जुड़ा मेरा सवाल है कि आपको लग रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, चाहे गुजरात से मध्य प्रदेश हो, गुजरात से राजस्थान हो, गुजरात से महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से और स्टेट हो, और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? देखिए, ये गलती देने का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है. आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजोल्व करना. ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है. जो लेबर की बात है, ये बहुत
चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार हैं, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें।